हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ आर डी से टीम फिजिक्स सी एल सी सीकर बेटू हम 2019 और 20 में जेई मेन के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका डिस्कशन कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मोमेंटम कंजर्वेशन कोलिजन और सेंटर ऑफ मास का ठीक है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से इसमें दिया हुआ है कि थ्री ब्लॉक्स ए बी एंड सी आर लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजोटल सरफेस एज शोन इन द फिगर तो ए बी सी तीन ब्लॉक दिए हुए हैं ए एंड बी हैविंग इक्वल मासिस ठीक है दोनों का मास सेम दे रखा है और सी का मास जो है ये ब्लॉक ए इज गिवन एन इनिशियल स्पीड वी टू वर्ड बी तो ये जो ब्लॉक ए दे रखा है इसको towards B एक स्पीड दे दी है v, to which it collides with B perfectly inelastic. अब बी ब्लॉक के साथ ये इन इलास्टिक कोलिजन करता है तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा बेटा जब ये ब्लॉक इसके साथ आके कोलाइड करेगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें कोलिजन के बाद ये दोनों ब्लॉक्स साथ मूव करते हैं ठीक है ऑफ रेस्टिट्यूशन इसमें जीरो हो जाता है और साथ मूव करेंगे और मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस कोलिजन में फिर उसके बाद देखिए द कंबाइंड मास कोलाइड्स विद सी ऑल्सो परफेक्टली इन इलास्टिकली तो ये उसके बाद दोनों साथ मूव करेंगे और साथ मूव करते हुए सी के साथ भी ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन करते हैं फाइव बाई द इनिशियल तो इलास्टिक है तो एनर्जी का कोई ना कोई लॉस होगा उसके बारे में ये बोला है है कि five by sixth part जो है वो हो जाता है. तो five by sixth part, अगर हो गया तो वन पार्ट बचेगा जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ठीक है तो हमसे इन दोनों के मास का रेशो पूछा गया है तो अप्रोच हम यही यूज करेंगे कि ये दोनों कोलाइड uh, कर रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से इनकी स्पीड पता चलेगी फाइनली फिर ये सी के साथ जाके कोलाइड करेंगे तो फाइनल हमें सिस्टम की स्पीड पता चल जाएगी सिस्टम की फाइनल स्पीड पता है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वन बाई सिक्सथ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिकॉज फाइव बाई सिक्सथ पार्ट जो है वो लॉस हो चुका है ठीक है तो इसी अप्रोच पे जा रहे हैं हम सॉल्व करके देख लेते हैं इसको ब्लॉक ए जो है इसका मास एम ब्लॉक बी जो है इसका भी मास एम ए बी के साथ कोलाइड करेगा तो ये दोनों एक साथ मूव करना शुरू करेंगे मान लेते हैं कि ये किसी वी वन स्पीड से मूव कर रहे हैं उसके बाद ये कंबाइंड सिस्टम जो है ये सी के साथ जाके कोलाइड करेगा ठीक है सी जो है ये कैपिटल एम मास का हो गया इसका टू एम मास दे रखा है और जब ये सी के साथ भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन करता है तो फाइनली ये जो तीन ब्लॉक्स का सिस्टम है ए बी सी का ये सपोज किसी स्पीड v2 से चलना शुरू करता है अब टू चाहे हम कोई भी कोलिशन की बात कर लें मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा फर्स्ट और सेकंड में सेकंड और थर्ड पार्ट जो अपन यहां देख रहे हैं तो डायरेक्ट हम फर्स्ट और थर्ड सिचुएशन का मोमेंटम कंजर्व करते हुए इक्वेशन लिख सकते हैं तो इनिशियल जो मोमेंटम है वो है एम और फाइनल जो अपने पास मोमेंटम आ जाएगा वो आ जाएगा टू एम प्लस कैपिटल एम एंड टू तो जो v2 हमारे पास आ जाएगी स्पीड वो आ जाएगी m ओवर 2m एम प्लस कैपिटल एम इन टू ठीक है अब काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इसका वन सिक्स पार्ट है फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिकॉज फाइव बाई सिक्स पार्ट जो है वो लॉस हो रहा है ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वन बाय सिक्स पार्ट ऑफ इनिशियल एनर्जी टू फाइनल तो फाइनल तो ठीक है तो एक तो हाफ यहां से कैंसिल आउट हो जाना है बचेगा एम वी स्क्वायर बाय सिक्स इक्वल टू यहां से हमारे पास देखिए क्या आएगा आंसर एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर टू एम प्लस एम ठीक है तो वी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए रिजल्ट आएगा हमारे पास टू एम प्लस कैपिटल एम इज इक्वल टू सिक्स एम तो कैपिटल एम इक्वल्स टू फोर टाइम्स स्मॉल एम ठीक है तो हमसे जो रेशो पूछा गया था वो था कैपिटल एम बाय स्मॉल एम का तो कैपिटल एम बाय स्मॉल एम का जो रेशो आ जाएगा वो फोर हो जाएगा ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ वुड ऑफ मास 0.03 पॉइंट जीरो थ्री के जी इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हंड्रेड मीटर हाइट बिल्डिंग एट द सेम टाइम अ बुलेट ऑफ मास 0.02 पॉइंट जीरो टू के जीज वर्टिकली अपवर्ड्स ठीक है तो एक पार्टिकल को तो यहां से ड्रॉप किया है ये बिल्डिंग है 100 मीटर हाइट की एक पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया जिसका मास है 0.03 पॉइंट और दूसरे पार्टिकल को यहां अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा है इसका मास है 0.02 पॉइंट और वेलोसिटी दे रहा है 100 मीटर पर सेकेंड बिल्डिंग की हाइट भी हमें हंड्रेड मीटर दी हुई है द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द वुड तो ये दोनों कोलाइड करेंगे और कोलिजन के बाद जो पार्टिकल्स हैं एक तरह से बोल सकते हैं कि स्टिक कर रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगी ठीक है और उसके बाद ये बुला हुआ है कि द मैक्सिमम हाइट टू विच द कंबाइंड सिस्टम रीचेज अबव द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बिल्डिंग से ऊपर कितना ऊपर जाएगा ये बिफोर फॉलिंग बिलो क्लियर तो इसको हम देख लेते हैं फिर देखिए अब होगा क्या कि एक पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया हुआ है दूसरे पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ देखो ए का जो है है वो जी डाउनवर्ड्स बी का एक्सलरेशन जी डाउनवर्ड्स है तो क्यों ना हम टाइम की कैलकुलेशन के लिए ए के रिलेटिव सॉल्व कर लें क्योंकि रिलेटिव सॉल्व करेंगे तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है बिकॉज दोनों का एक्सलरेशन सेम है तो जब रिलेटिव देखेंगे तो नेट जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो जीरो हो जाएगा तो ए के रिलेटिव बी जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसने 100 मीटर का तो जो टाइम लगेगा कोलिजन में वो आ जाएगा वन सेकेंड तो वन सेकेंड के बाद ये दोनों पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे अब वापस चलते हैं ग्राउंड के रिलेटिव जो पार्टिकल ए है इसको यहां से ड्रॉप किया वन सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी लिखनी है तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी टेन मीटर पर सेकेंड बी पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है एक सेकेंड के बाद ये इसके पास पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी अगर देखें तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हुए लिख रहा हूं मैं इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 90 मीटर पर सेकेंड ठीक है जी अच्छा ए जो है इसका डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट हो जाएगा कितना हो जाएगा ए का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिस इज फाइव मीटर तो ए जो है ये फाइव मीटर चलेगा बी जो है ये 95 फाइव मीटर चलेगा और यहां कोलिजन हो रहा है इनका बेटू जब ए और बी कोलाइड करेंगे तो जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन हम मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं बिकॉज जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कौन सा है ग्रेविटेशनल फोर्स और वो नॉन इम्पलसिव है तो एक्सटर्नल नॉन इम्पल्सिव फोर्स के केस में हम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं कोई इशू नहीं रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव तो इनिशियल मोमेंटम देखिए कितना होगा इनिशियल मोमेंटम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.02 पॉइंट जीरो टू और ये नेगेटिव में जाएगा 0.03 पॉइंट जीरो थ्री और बाद में अपन ये मान लेते हैं कि जो कंबाइंड सिस्टम है 0.05 पॉइंट का ये किसी यू वेलोसिटी से ऊपर गया ठीक तो इसको हम लिखेंगे 0.05 पॉइंट जीरो यू तो ये आ जाएगा अपने पास 18 माइनस टेन एट ना टेन नहीं सॉरी दोबारा से लिख लेते हैं यह आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो टू इंटू अपवर डायरेक्शन में है और माइनस का ये आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री टेन और किसके इक्वल हो जाएगा बेटू ये ये हो जाएगा 0.05 पॉइंट जीरो फाइव इंटू यू के इक्वल तो देखिए एक तो ये डिवाइड बाई हंड्रेड वाला जो डेसिमल का है इसको तो कैंसिल आउट कर देते हैं ये बचेगा हमारे पास 180 और यहां से आ जाएगा 30 किसके इक्वल 5 यू के इक्वल तो हम यू कैलकुलेट कर सकते हैं आ, ये आ जाएगा अपने पास 150 फिफ्टी अपॉन फाइव तो 30 मीटर पर सेकेंड यानी कि कंबाइंड सिस्टम जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जाएगा अब इस पॉइंट से हमें ये कैलकुलेट करना है कि किस हाइट तक ये राइज कर रहे हैं तो सिंपल है हम यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हैं कि इसके पास इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम यू स्क्वायर वो कन्वर्ट हो रही है सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में तो यहाँ एच कैलकुलेट होके आ जाएगा हमारे पास देखिए नाइन हंड्रेड हो जाएगा तो एच की वैल्यू आ जाएगी फोर्टी फाइव मीटर टू ये 45 मीटर कहां से है 45 मीटर जो इसकी हाइट है वो इस पोजीशन से है जहां कोलिजन हुआ है और बिल्डिंग से ये कितना नीचे था, नीचे था मीटर तो यहां से 45 है इसका मतलब बिल्डिंग के ऊपर इसकी हाइट कितनी राइज कर जाएगी वो हो जाएगी फोर्टी मीटर बात समझ में आ गई आपको तो इसका जो ऑप्शन है वो चेक कर लेते हैं हम लोग इसका ऑप्शन रहेगा सेकेंड वाला फोर्टी मीटर क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें दिया हुआ है कि अ पार्टिकल ऑफ मास इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम पी स्टार्टिंग एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो अ फोर्स एफ इक्वल्स टू के टी एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन द मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी सो दैट इट्स मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम पी टू थ्री पी वेयर के इज कॉन्स्टेंट फाइंड वैल्यू ऑफ टी तो बेटू देखो हमें ये पता है कि अगर कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी से या किसी मोमेंटम से मूव कर रहा है और इस पर हम कोई फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेंगे उसी डायरेक्शन में उसके मोमेंटम का चेंज होता है और वो जो चेंज होता है मोमेंटम का उसको हम रिलेट करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल क्लियर अब ये जो फोर्स है ये खुद टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो फाइनली हम यहां से रिलेशन देखो क्या लिख सकते हैं जो चेंज इन मोमेंटम डीपी है ये हो जाएगा के टी डी टी और इसको हम अगर इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड तो के तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा t इक्वल्स टू जीरो पर देखिए जो मोमेंटम है वो p है और कैपिटल टाइम कैपिटल t पर जो मोमेंटम है वो 3p दिया हुआ है ठीक तो सॉल्व करते हैं देखो dp का इंटीग्रेशन आ जाएगा p लिमिट पुट करेंगे तो थ्री पी माइनस पी टू पी हो जाएगा और यहाँ से देखा जाएगा तो यह आ जाएगा के टी स्क्वायर बाय टू लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल टी स्क्वायर बाय टू तो देखिए टी स्क्वायर की बात करें तो ये कितना आता है ये आ जाएगा फोर पी बाय के के इक्वल या फिर फाइनली अगर टी चाहिए तो वो कितना हो जाएगा बेटा जी टी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ फोर पी बाय के तो जो आंसर इसमें मैच करेगा वो हो जाएगा फोर्थ वाला क्लियर चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर इसमें दिया हुआ है कि पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन असमेट्रिक यूनिफॉर्म बार ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया इज शोन अब बेटा जी ये यूनिफॉर्म बार है यानी कि इसका मास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो यूनिफॉर्म है पर ये खुद लीनियर नहीं है क्रॉस सेक्शन एरिया इसका नेगलिजिबल दे रखा है ठीक है सिमेट्रिक नहीं है बट यूनिफॉर्म है तो अपन लीनियर मास डेंसिटी जो मान के चलेंगे लेमडा वो हर जगह पर सेम होगी ठीक है जी तो अब देखो एक तो ये वाली एल लेंथ दे रखी है सॉरी टू एल लेंथ एक इसकी लेंथ एल है और अगेन ये वाली लेंथ जो है वो एल दी हुई है तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है ठीक है तो अगर हम यहां ओरिजिन दे रखा है इसके करस्पॉन्डिंग बात कर लेते हैं देखो ये लेंथ 2l है तो इस रॉड का जो मास आ जाएगा ये कितना हो जाएगा लेमडाइन टू टू एल के इक्वल ये वाली रॉड जो है l लेंथ की है तो इसका मास हो जाएगा लेमडाइन टू एल और ये जो रॉड दे रखी है ये भी l लेंथ की है तो इसका मास भी हो जाएगा लेमडाइन टू एल के इक्वल जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दी होती है और हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो जितने भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैं हम उनका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लेंगे कहां पर होगा ठीक है उनका इंडिविजुअल जो सेंटर ऑफ मास है वो लोकेट कर लेते हैं कहां पर होगा और उसके बाद डिस्क्रीट पार्टिकल्स का यूज करते हुए हम सेंटर ऑफ मास के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं बेटा जी ये टोटल लेंथ है टू एल इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा इसका एल और y कोऑर्डिनेट भी इसका कितना आएगा l क्लियर सिमिलरली यहां बात करेंगे तो ये 2l एल कॉमा एल बाई आना चाहिए और जब इसकी बात करेंगे तो देखो 2l तो ये है और l बाई टू ये हो जाएगा तो ये रहेगा 2.5l पॉइंट फाइव एल जीरो बात समझ में आ गई तो हम सभी रॉड्स के जो इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मासेस हैं उनको इंडिकेट कर रहे हैं और अब ऐसा मान सकते हैं कि ये तीन डिस्क्रीट पार्टिकल्स यहां पर रखे गए हैं तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो कितना आएगा एम वन एक्स वन ठीक है प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपॉन टोटल मास तो ये आ जाएगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू टू लेमडा एल स्क्वायर प्लस एम थ्री एक्स थ्री तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइव बाई टू तो लेमडा एल स्क्वायर Over total mass. तो तो बेटा जी का कितना हो जाएगा? हो जाएगा? जाएगा ये तो एक तो L cancel out हो गया ये बचेगा हमारे पास और और एक ही आ जाएगा तो ये आ जाएगा थर्टीन बाई एट एल ये तो हो जाएगा इसका एक्स कॉर्डिनेट और सिमिलरली जब हम वाई सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा एम वन वाई वन ये आ जाएगा टू लेमडा एल इन टू एल प्लस एम टू वाई टू दिस इज तो कितना हो गया टू uh, तो ये रहा और हाफ ये रहा तो फाइव बाई टू अपॉन फोर भी है तो ये आ जाएगा फाइव बाई एट एल ठीक है तो कैलकुलेशन के बाद हमें ये पता चलेगा कि सेंटर ऑफ मास जो है वो थर्टीन बाई एट और फाइव बाई एट ठीक है तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो ये रहा तो एक्स कोऑर्डिनेट पता है वाई कोऑर्डिनेट पता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसको हम क्या काम करते हैं कि जितने भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम सारा का सारा मास उनके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड मान लेंगे और पूरे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को फिर डिस्क्रीट पार्टिकल की तरह बिहेव करवा सकते हैं ठीक है, है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये अप्रोच कई बार क्वेश्चन में यूज होती है तो ये ध्यान रख लेना हाँ जी नेक्स्ट आ जाएगा फोर पार्टिकल्स ए बी सी डी मासेज़ एम टू एम थ्री एम एंड फोर एम दिए हुए ठीक है एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर इनको रखा हुआ है दे हैव एक्सलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन एज शोन द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स इज तो पूरे सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा उसका रिलेशन हमें पता है ए सेंटर ऑफ मास इज एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस एम थ्री ए थ्री प्लस एम फोर ए फोर अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम ठीक है जी तो अब देखो जो पार्टिकल ए है इसका मास है एम और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन ए से बी पार्टिकल का मास हमें दिया हुआ है टू एम और ये जा रहा है वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से क्लियर सी पार्टिकल जो है देखिए इसका मास कितना 3m एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ए है और ये आ जाएगा 4m एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ए है क्लियर तो अगली स्लाइड पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां से देखिए जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा हाँ जी m1 ए वन तो यह आ जाएगा मास और एक्सलरेशन है इसका माइनस ए आई कैप में दूसरे वाले पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो आ जाएगा टू एम इन टू ए जे कैप में तीसरे पार्टिकल के लिए हो जाएगा थ्री एम इंटू ए आई कैप में और फोर्थ वाले का हो जाएगा फोर एम माइनस ए जे कैप और टोटल मास कितना हो जाएगा तो फोर प्लस थ्री सेवन टू नाइन एंड वन टेन हाँ जी तो आई कैप में देखो यहाँ से थ्री एम ए और यहाँ से माइनस एम ए तो यह आ जाएगा टू टाइम्स एम ए आई कैप प्लस जे कैप में देखिए माइनस फोर एम तो यहाँ पर है और प्लस टू एम ए यहाँ पर है तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ टू एम ए जे कैप ओवर टेन एम तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना होगा एक तो एम कैंसिल आउट हो जाएगा टू पर वो फाइव से जाएगा और ये आ जाएगा कुछ इतना ए बाई फाइव आई कैप माइनस जे कैप ठीक है तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसमें कुछ दिया हुआ होगा तो ए बाई फाइव आई कैप माइनस जे कैप तो जो थर्ड ऑप्शन है इसका वो करेक्ट मैच होना चाहिए क्लियर चलिए ये बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कोई बड़ा इश्यू है नहीं इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स बॉडी ऑफ मास विद एन अनोनोटी वी वन अंडरगोज कोलिजन विदी ऑफ मास विदोसिटी ऑफ वी टू आई कैप तो ठीक है ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं M1 का पार्टिकल, V1 से जा रहा है इसको अपन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान रहे हैं और एम टू मास का जो पार्टिकल है ये इसी डायरेक्शन में वी टू स्पीड से जा रहे हैं आफ्टर कोलिजन एम वन एंड एम टू मूव विदोसिटी वी थ्री एंड वी फोर तो जो एम वन है ये तो जा रहा है बेटू वी थ्री से और जो एम टू है ये जाएगा वी फोर से क्लियर एम टू दिया हुआ है हाफ ऑफ एम वन तो इसका मतलब ये है कि अगर हम M2 को कुछ M मान लेते हैं तो ये 2M मास आ जाएगा इसी तरीके से ये 2M है और ये M मास हो जाएगा साथ के साथ हाफ ऑफ वी वन जो है ये V1 वन बाय है और आपसे पूछा गया है वेलोसिटी V1 वन देखिए इन टर्म्स ऑफ V4 फोर एंड वी तो V4 और V2 की टर्म्स में हमसे कैलकुलेट करवा रहा है वो वेलोसिटी वी वन तो हमें सिंपल पता है कि कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन हम यूज करेंगे तो ये रिलेशन आएगा टू मस्ट बी इक्वल टू टू एम वी थ्री जो कि वी वन बाई टू दिया हुआ है और प्लस एम इन वी फोर क्लियर तो यहां देखो v1 वाली टर्म्स को एक साथ क्लब कर देते हैं ये टू एम वी वन है ये एम वी वन है यहां आएगा तो ये होगा एम वी वन और बाकी टर्म्स को उधर ले गए तो ये तो सॉल्व करते वी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी वी फोर माइनस वी टू के इक्वल ठीक तो ऑप्शंस देख लेते हैं कौन से आएंगे इसमें इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं वी फोर माइनस वी टू तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट मैच हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया हुआ है कि यह यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शीट ए बी सी डी ऑफ मास एम हैज लेंथ ए एंड बी ठीक है शेडेड पोर्शन एच बी जी ओ इज कट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन तो बचे हुए पोर्शन के सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है बेटा जी ये बेसिक अप्रोच होती है कि, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से अगर किसी पोर्शन को कट कर दिया जाता है और रिमेनिंग पोर्शन का हमें सेंटर ऑफ़ मास चाहिए तो उसके लिए क्या काम करते हैं जिस पोर्शन को कट किया गया है उसको वापिस एड कर दो तो दोनों एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को मिलाकर जब हम देखेंगे तो ये पूरी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मिल जाएगी और उन दोनों एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का अलग से सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिख के एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू टोटल मास इन एक्स सेंटर ऑफ मास हम यूज कर सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं जिस पोर्शन को हटा रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो एक ही अननोन बचता है जो रिमेनिंग पोर्शन वाला होगा ठीक है तो चलिए इसको देखते हैं जो बोलना चाह रहा है इसमें इसमें ये रेक्टेंगुलर शीट है एक कंप्लीट और इसमें से ये वाला पोर्शन इसने कट किया है वन फोर्थ इसका जिन ये यहां पर मान के चल रहे है, तो कॉर्डिनेट जो है वो हमें इसी के रिलेटिव लिखने हैं देखो जो ये कंप्लीट शीट है इसका खुद का सेंटर ऑफ मास कहां पर है ए बाई टू कॉमा बी बाई टू पर तो ये जो कॉर्डिनेट्स हैं ये तो हैं ए बाई टू कौमा बी बाई टू अब हम ये बोल रहे हैं कि जब इसमें से एक पोर्शन हटा दिया जाएगा तो इस रिमेनिंग पोर्शन के कॉर्डिनेट्स इसको चाहिए अप्रोच हमारी ये है कि जिस पोर्शन को हटाया है उसको वापिस ऐड कर लो इसको वापिस ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल जाएगी ठीक है तो एम वन एक्स वन प्लस अप्रोच हम यहां यूज करने वाले हैं देखो बेटा एक तो यह है कि इसका टोटल मास दे दिया और ये चारों हिस्से इक्वल हैं तो एक पार्ट का जो मास आ जाएगा ये कितना आ जाएगा एम बाई फोर इसका मतलब इसका जो मास बचेगा वो कितना आ जाएगा थ्री एम बाय फोर के इक्वल कॉर्डिनेट्स लिखते हैं जो जो हमें नोन है देखिए इसके जो कॉर्डिनेट्स आएंगे ये जो शेडेड पोर्शन है इसके कॉर्डिनेट्स होंगे इसके मिड पॉइंट पर तो ध्यान से देखना ये वाली लेंथ जो है ये ए बाई टू के इक्वल है और ये जो लेंथ टोटल ए बाय टू है उसका ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा ए 4 ठीक है तो ये वाला जो कॉर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास टोटल ये कितना हो जाएगा ए बाई टू प्लस ए बायोर यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये लोकेट करता थ्री ए बायोर पर ये एक्स कॉर्डिनेट लिखा है मैंने इसी तरीके से जब वाई कॉर्डिनेट लिखना है तो बेटा जी देखो ये कॉर्डिनेट कितना या ये लेंथ कितनी बी बाई टू और फिर ये वाली जो लेंथ कितनी है ये आ जाएगी बी बाय फोर तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बी बाई टू प्लस बी बाई फोर तो जो B इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो भी हो जाएगा y कोऑर्डिनेट 3b बी बाई फोर के इक्वल ठीक तो हम सिंपल रिजल्ट यूज कर रहे हैं एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू इक्वल्स टू टोटल मास इन टू एक्स सेंटर ऑफ मास और यहां पर भी यही रिजल्ट एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू इक्वल्स टू टोटल मास इन टू वाई सेंटर ऑफ मास ठीक है जी तो इसको यूज करते हैं तो हमें फाइनली एक्स वन और वाई वन पता चल जाएगा हाँ जी एक्स वन कितना आ जाएगा तो देखो एम ए बाई टू तो ये है माइनस थ्री एम ए बाई सिक्सटीन ओवर थ्री एम बाय फोर हाँ जी तो ये आ जाएगा अपने पास एट माइनस थ्री फाइव एम ए बायसटीन और ये आ जाएगा थ्री एम ए बायर तो ये आएगा फाइव ए बाय ट्वेल्व और सिमिलर कैलकुलेशन y1 के लिए है तो y1 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी फाइव बी बाय ट्वेल्व क्लियर तो जो फाइनल इसका आंसर मैच करने वाला है आ, वो आ जाएगा फाइव ए बाय ट्वेल्व एंड फाइव बी बाय ट्वेल्व तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट मैच हो रहा होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी दिया हुआ है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप टेक एज पॉजिटिव जेड एक्सिस फ्रॉम ग्राउंड द करेक्ट मोमेंटम हाइट ग्राफ इज देखो ऐसा है कि ग्राउंड से एक पार्टिकल को अपवर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया और इसी अपवर डायरेक्शन को ये जेड एक्सिस बोल रहा है पॉजिटिव ऊपर की तरफ है तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा इसकी स्पीड कम हो रही है स्पीड कम हो रही है तो मोमेंटम कम होगा और दूसरा ये है कि ठीक है किसी भी हाइट एच के साथ हम मोमेंटम को रिलेट करें तो इजीली कर सकते हैं जब यहां पर हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है किसी स्पीड यू से यहां जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी कोई वी स्पीड तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस कुछ इस तरह से रिलेट हो जाएगा ठीक है और अगर हम वी की बात करें तो वी आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एच मोमेंटम लिखना है तो मोमेंटम आ जाएगा एम से मल्टीप्लाई कर दो इसको यह आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस टू जी अब क्लियर कट एक रिलेशन तो हमें नजर आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा तो जब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर ये दोनों ग्राफ तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए और दूसरे दो भी कर्व दे रखे हैं ठीक है और उस कर्व में भी हमें सिर्फ ये चेक करना है कि एरो कौन से डायरेक्शन में लगेगी तो एच इक्वल्स टू तो जीरो पर जो मोमेंटम है वो नॉन जीरो है दिख रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा एच बढ़ता जाएगा मोमेंटम कम होना चाहिए तो ये वाला ग्राफ तो देखो मोमेंटम नेगेटिव में शो कर रहा है जबकि यहां पर क्या है कि मोमेंटम पॉजिटिव में है और जैसे जैसे एच इंक्रीज हो रहा है मोमेंटम डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाएगा तो मोमेंटम नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है तो ये जो फोर्थ ग्राफ आ जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास टू के जी मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अ सेकेंड बॉडी एट रेस्ट तो टू के जी के एक ऑब्जेक्ट है इलास्टिक कोलिजन हो रहा है कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वन हो जाएगा और एनर्जी का कोई लॉस होगा नहीं सेकेंड बॉडी जो है रेस्ट पर है और उसके बाद एंड कंटिन्यूस टू मूव इन ओरिजिनल डायरेक्शन बट विद वन फोर्थ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड सेकेंड बॉडी का मास चाहिए इसको तो ईक्वल टू वन मोमेंटम कंजर्व रहेगा टू के जी का ये ऑब्जेक्ट यू स्पीड से जा रहा है एम मास का कोई पार्टिकल रेस्ट पर है कोलिशन के बाद ये टू के जी वाला जो ऑब्जेक्ट है ये वन फोर्थ ऑफ इट्स वेलोसिटी से ओरिजिनल डायरेक्शन में ही जा रहा है और सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है इसकी स्पीड मान लेते हैं कुछ v। तो बेटा जी एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन का रिलेशन हम यूज करें तो इनिशियल मोमेंटम है टू यू और फाइनली ये कितना है टू यू बाय फोर प्लस एम वी हाँ जी तो आ जाएगा यू बाई टू तो एम वी इज इक्वल टू कितना टू यू में से यू बाय टू जाएगा तो आ जाएगा थ्री यू बाय टू क्लियर और दूसरा रिलेशन हम लिखेंगे कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो अप्रोच कर रहा है ये यू से और सेपरेट हो रहा है v माइनस यू बाय फोर तो बेटो यहां से एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा ये उठ के उधर जाएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी फाइव यू बाय फोर के इक्वल वैल्यू पुट करो m पता चल जाना है हाँ जी तो m इंटू वी इक्वल्स टू थ्री यू बाय टू तो सॉल्व करते ही m आ जाएगा एक तो u कैंसिल आउट हो गया फोर पे ये जाएगा टू पर तो ये आ जाएगा सिक्स बाय फाइव के यानी कि वन पॉइंट टू के इसका करेक्ट आंसर मैच करेगा इसमें क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन में दिया हुआ है कि अ पार्टिकल ऑफ मास इज मूविंग विद स्पीड टू वी एंड कोलाइड्स विद मास टू एम मूविंग विद स्पीड वी इन सेम डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास इज स्टॉप कंप्लीटली कितना हो जाएगा तो बेटू देखो ये बोल रहे हैं कि पहले दोनों पार्टिकल्स जो है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहे हैं तो देखिए ऐसा है कि किसी एक्स डायरेक्शन के अलोंग ये पार्टिकल मूव कर रहा है एम मास का पार्टिकल टू वी स्पीड से और 2m मास का पार्टिकल v स्पीड से ठीक है अब हुआ यह कि कोलिजन के बाद यह जो m मास वाला पार्टिकल है रुक जाएगा। और 2m मास मास वाला पार्टिकल जो है, ये दो इक्वल के पार्टिकल्स में स्प्लिट हो रहा है दोनों का मास m और m होगा और दूसरी कंडीशन ये दी हुई है कि फाइनली ये जो पार्टिकल्स हैं ये इस ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री पर जा रहे हैं अगर हम इसको कुछ एक्स डायरेक्शन और इसको वाई डायरेक्शन माने तो इनिशियल मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में तो बेटा फाइनल मोमेंटम भी एक्स डायरेक्शन में ही होना चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स इस सिस्टम पर लग नहीं रहा तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम डायरेक्शन में होंगे अब वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो वाई डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही होना चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में 45 डिग्री पर चले जाएं। ठीक है ना अगर दूसरा भी इधर चला गया तो फिर वाई डायरेक्शन में मोमेंटम का कंपोनेंट आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है तो एक पार्टिकल 45 पर कुछ ऐसे जा रहा है तो दूसरे को यहां जाना पड़ेगा स्पीड दोनों की सेम होनी चाहिए बिकॉज वाई डायरेक्शन में मोमेंटम को जीरो रखना है तो देखो हॉरिजोंटल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन हम यूज कर लेते हैं तो उससे आएगा इनिशियल मोमेंटम कितना है टू एम वी तो ये आ जाएगा प्लस टू एम वी इसका मोमेंटम फाइनली इसका जीरो है और इसका कितना बजेगा एक पार्टिकल का आ जाएगा एम इन वी वन का कॉस फोर्टी फाइव और ऐसे दो पार्टिकल्स हैं ठीक तो फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं यह आ जाएगा फोर एम वी इक्वल्स टू रूट टू टाइम्स एम वी वन तो वी वन कितना आ जाएगा इसको इधर ले जाओ तो यह फोर बाय रूट टू या फिर इसको लिख सकते हैं टू रूट टू टाइम्स वी तो वन की वैल्यू आ जाएगी टू रूट टू टाइम्स वी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट मैच हो जाएगा ठीक है जी तो बेसिक बस आपने ये ध्यान रखना है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस एक गिवन डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में पहले भी मोमेंटम जीरो है तो बाद में भी जीरो होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन इसमें दिया हुआ है कि अ वेज ऑफ मास टू फोर एम लाइज ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन पार्टिकल ऑफ मास जो भी है देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड द प्लेन और बिटवीन पार्टिकल एंड द वेज तो फ्रिक्शन हर जगह पर एबसेंट है पार्टिकल ऑन द वेज तो वी और जी की टर्म्स में आपको इस पार्टिकल ने जो मैक्सिमम हाइट क्लाइम करनी है वो बतानी है पार्टिकल का मास एम है और वेज का मास जो है वो फोर एम है तो ये सिचुएशन देखिए कैसी बन रही है यहाँ पर ये एक इंक्लाइन प्लेन है या वेज है कुछ इस शेप का मान लेते हैं हम इसको 4m मास है इसका और इनिशियली रेस्ट पर है मास का कोई पार्टिकल जो v स्पीड से इधर की तरफ आ रहा है वो इसके ऊपर जाना शुरू करेगा अब देखो बेटा कोई फ्रिक्शन कहीं पर मौजूद नहीं है जैसे ही ये पार्टिकल इस वेज के ऊपर क्लाइंब करेगा जब ये पार्टिकल इस वेज के ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर देगा तो ये इस वेज पर एक फोर्स लगाएगा ये वेज पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है वेज वेज पर पर नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन रिएक्शन लगाएगी इस का इफेक्ट सिर्फ पर देखो तो वो ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेज पर एक फोर्स आ जाएगा जिस वजह से ये मूव करना शुरू करेगा साथ के साथ ये पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है बट अगर अपन दोनों को एक सिस्टम कंबाइन करके चलते हैं सिस्टम मान के चलते हैं तो सिस्टम पर एक्सटर्नल हॉरिजोंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे पर लग रहे हैं ये इंटरनल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा दूसरी बात जब अपन एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो ये इंटरनल फोर्स जितना वर्कडन इस पर पॉजिटिव करेगा उतने वर्कडन पर नेगेटिव हो जाएगा नेट वर्कडन इस नॉर्मल रिएक्शन का विद इन सिस्टम जीरो हो जाएगा तो एनर्जी भी कंजर्व रहेगी फिर तो कि मोमेंटम भी कंजर्व है इस सिस्टम का और एनर्जी भी कंजर्व रहेगी तो किसी अगली सिचुएशन में ऐसा होगा कि जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाती जा रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी बिकॉज इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की वो इंक्रीज हो रही है तो फाइनली ये ऊपर कब तक राइज करेगा देखो जब तक तो वेज के रिलेटिव इसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी मौजूद है तब तक तो ये ऊपर राइज करता जाएगा लेकिन जब वेज के रिलेटिव इसके पास वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वो इसकी हाईएस्ट पोजीशन होगी और दूसरी सिचुएशन हमें ये पता है कि ग्राउंड के रिलेटिव दोनों मूव कर रहे हैं अगर उस इंस्टेंट पर देखा जाए कि ग्राउंड के रिलेटिव वेज की स्पीड है वी वन और हम ये बोल रहे हैं कि ये पार्टिकल वेज के रिलेटिव रुका हुआ है तो ग्राउंड के रिलेटिव ये भी कितने से जा रहा होगा वी वन से जा रहा होगा मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ करें तो इनिशियल मोमेंटम एम वी जो है वो फाइनल मोमेंटम फाइव एम वी वन के इक्वल हो जाएगा एम वी वन तो बॉल के लिए और फोर एम वी वन वेज के लिए तो यहां से पता चलेगा कि वी वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी वी बाय फाइव वो आ जाएगी वी बाय फाइव के इक्वल अब हमें कैलकुलेट करना है ये हाइट तो उसके लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन का रिलेशन यूज करेंगे इनिशियल जो एनर्जी आ जाएगी वो आएगी हाफ एम v1 square, I'm sorry, half m v square, सिर्फ पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद है बाद में देखा जाएगा तो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है जो कि हाफ इंटू फाइव एम इंटू वी वन का स्क्वायर हो जाएगी और साथ के साथ ये बॉल राइज कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज आएगा तो एक तो देखो एम कैंसिल आउट हो गया वहां बचेगा जी एच किसके इक्वल आ जाएगा वी स्क्वायर बाय टू माइनस ये वाली टर्म उठ के उधर जाएगी तो देखो एक तो वी स्क्वायर बाय ट्वेंटी फाइव है वो फाइव पर गया ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय टेन के इक्वल बात समझ में आ गई हाँ जी तो यह आ जाएगा फाइव से इसको करते हैं तो फोर बाय टेन या फिर टू बाय फाइव वी स्क्वायर तो फाइनली अपने पास एच की वैल्यू आ जाएगी टू वी स्क्वायर बाय फाइव जी के इक्वल ठीक है तो जो एच की वैल्यू आनी चाहिए वो टू वी स्क्वायर बाय फाइव जी सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट मैच करेगा क्लियर तो सिंपल हमने मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन की बातचीत करके इसको सॉल्व किया हुआ राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसमें दिया हुआ है टू पार्टिकल्स ऑफ मासस एम एंड टू एम मूविंग एज शोन द स्पीड्स ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड एंड फाइव मीटर पर सेकेंड ठीक है इनकी स्पीड भी हमें दे रखी है इलास्टिक कोलिजन है ऑरिजन पर ये कोलाइड करते हैं आफ्टर द कोलिजन दे मूव अलॉन्ग द इंडिकेटेड डायरेक्शन विद स्पीड वी वन एंड वी टू रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ वी वन एंड वी टू तो बेटू सिंपल है अब इसमें देखो एक्स और वाई डायरेक्शन जब हम बात करते हैं तो इन दोनों ही डायरेक्शन में सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं नज़र आ रहा जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिर इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा वो एक्स डायरेक्शन में भी कंजर्व होगा और वाई डायरेक्शन में भी कंजर्व होगा तो देखो एम मास का पार्टिकल टेन मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है हॉरिजोंटल के साथ या एक्स एक्सिस के साथ थर्टी डिग्री के एंगल पर और सिमिलरली ये जो टू एम वाला है ये मूव कर रहा है फाइव मीटर पर सेकेंड से फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल पर और लास्ट में ये है कि ये v1 से जा रहा है 30 डिग्री के एंगल पर 2m वाला पार्टिकल और m मास वाला जो पार्टिकल है ये v2 स्पीड से जा रहा है 45 डिग्री के एंगल पर ठीक तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इस चीज को यूज कर लेते हैं देखिए x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा 10m cos 30 तो इस पार्टिकल के लिए और टेन एम कॉस फोर्टी फाइव दूसरे पार्टिकल के लिए किसके इक्वल हो जाना है फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन तो टू एम वी वन कॉस थर्टी वी वन कॉस थर्टी और प्लस ये आ जाएगा कितना एम इंटू वी टू का कॉस फोर्टी फाइव एम इंटू वी टू कॉस फोर्टी फाइव यह रिलेशन तो आ जाएगा x डायरेक्शन में सिमिलरली हम रिलेशन लिखेंगे y y में 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 तो y direction में, देखो इसका momentum negative में आ जाएगा कितना टेन एम साइन थर्टी माइनस में ये मोमेंटम आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस देखिए टू एम इंटू फाइव टेन एम कॉस सॉरी साइन फोर्टी फाइव राइट ये मोमेंटम पॉजिटिव वाई में आ रहा है इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो इसका मोमेंटम पॉजिटिव वाई में आएगा कितना टू एम वी वन साइन थर्टी और ये मोमेंटम नेगेटिव में आ जाएगा तो इसको लिखेंगे माइनस एम वी टू साइन फोर्टी फाइव ठीक है तो एक्स और वाई डायरेक्शन में हमने दोनों के मोमेंटम लिख लिए हैं हमारे पास दो इक्वेशन दो अननोन बन रहे हैं तो देखो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये v2 वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी सिर्फ v1 वाली टर्म बचेगी तो ऐड करने के बाद बचता क्या है देखो यहां से तो आ जाएगा फाइव रूट थ्री एम ये आ जाएगा फाइव रूट टू एम एक ये आ जाएगा फाइव रूट टू एम और ये बचेगा माइनस फाइव एम एंड दिस मस्ट भी इक्वल टू जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं यहां से तो बचेगा एम रूट थ्री वी वन और ये आ जाएगा एम वी वन तो बेटा जी एक तो एम कैंसिल आउट हो गया हर जगह से यहां बचता है फाइव रूट थ्री प्लस टेन रूट टू माइनस फाइव और ये आ जाएगा रूट थ्री प्लस वन इंटू वी वन ठीक है थोड़ी सी कैलकुलेशन में तो जाना पड़ेगा देखते हैं आंसर एक बार डेसिमल्स में दिया हुआ है तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा हमारा आ, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं चलिए v1 आ जाएगा देखो बेटा जी 5 इंटू वन पॉइंट तो ये हो जाएगा रूट टू है 1.41 माइनस फाइव और यह आ जाएगा वन पॉइंट सेवन थ्री प्लस वन तो यह आ जाएगा टू पॉइंट सेवन थ्री अप्रोक्सीमेटली देखो वी वन की वैल्यू कितनी यह आ जाएगा फोर्टीन पॉइंट वन में से फाइव गया तो नाइन पॉइंट वन तो वो रहा और यह आ जाएगा हमारे पास एट पॉइंट सिक्स फाइव क्लियर अपॉन टू पॉइंट सेवन थ्री हाँ जी कितना आ जाएगा ये सेवनटीन पॉइंट सेवन फाइव अपॉन टू पॉइंट सेवन थ्री तो एक बार ऑप्शंस देखते हैं जरा क्या कुछ दिया हुआ इसमें वी वन की वैल्यू थ्री पॉइंट टू या फिर सिक्स पॉइंट फाइव तो ये अप्रोक्सीमेटली देखो 6.5 के आसपास वैल्यू मैच करेगी 3. पॉइंट समथिंग तो नहीं ही होगा ये क्लियर तो एक ऑप्शन तो ये आ जाएगा बेटा दूसरे के लिए भी हमें जाना ही पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए चलो V2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा भाई तो इसमें चले जाते हैं चलो ये हमारे पास रिजल्ट है माइनस फाइव एम प्लस फाइव रूट टू एम इक्वल्स टू एम इंटू वी वन माइनस एम इंटू वी टू बाय रूट टू हाँ जी तो इसको एम तो कैंसल आउट हो गया वी टू बाय रूट टू यहां जाएगा ठीक है तो यहां से बचता है देखो एक तो वी वन वी वन है अप्रोक्सीमेटली सिक्स पॉइंट फाइव ये प्लस फाइव और माइनस फाइव रूट टू ठीक है तो फाइव रूट टू अप्रोक्सीमेटली ये वन पॉइंट फोर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन के अराउंड तो ये आ जाएगा इलेवन पॉइंट फाइव माइनस सेवन तो ये कितना हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव के अराउंड तो वी टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी फोर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई वन पॉइंट फोर वन के अराउंड ठीक है तो ये वाली जो वी वन की वैल्यू थी ये सिक्स पॉइंट समथिंग आ रही थी वी टू भी सिक्स पॉइंट समथिंग के अराउंड आएगा इट मीनस जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट मैच होना चाहिए इसमें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के लिए ठीक है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन है उन अप्रोक्सीमेशन पे आप जाके अप्रोक्सीमेशन आंसर जो है वो लिख सकते हैं अदरवाइज ठीक है बेसिक अप्रोच क्या है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो कंजर्व करना है हमने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन और इसमें दिया हुआ है कि थ्री पार्टिकल्स ऑफ फिफ्टी के ग्राम हंड्रेड ग्राम एंड वन फिफ्टी ग्राम फिफ्टी ग्राम हंड्रेड ग्राम एंड एंडी ग्राम आर एट ऑफ एन इक्टर ट्राइंगल ऑफ साइड वन मीटर एज शोन इन द फिगर एक्स एंड वाई कॉर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास तो बेसिक रिलेशन एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा अपॉन टोटल मास तो सबसे पहले तो हम इनके कॉर्डिनेट्स इंडिकेट कर लेते हैं देखो 50 ग्राम को अगर एम बोल देते हैं तो ये जीरो कॉमा जीरो पर रखा हुआ है तो ये हो जाएगा टू एम और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वन कामा जीरो बेटूक्टर ट्राइंगल दिया हुआ है ये एंगल ये लेंथ कितनी है वन मीटर है ये सिक्सटी डिग्री है तो इसका मास देखो अगर फिफ्टी ग्राम को हम एम बोल देते हैं तो ये थ्री है x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा वन कॉस सिक्सटी यानी कि जीरो पॉइंट फाइव इसने इंडिकेट भी कर रखा है और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा वन का साइन सिक्सटी दैट इज रूट थ्री बाई टू तो ये पार्टिकल्स हमें पता है इस जगह पर लोकेट किए हुए हैं क्लियर तो अब हम इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो लोकेट करना है तो एक्स सेंटर ऑफ मास हमारे पास कितना आ जाएगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपॉन टोटल मास तो टोटल मास इसका कितना आ जाएगा सिक्स एम के इक्वल इसका टोटल मास आ जाएगा तो बेटो तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक्स सेंटर ऑफ मास पता चलेगा देखिए कितना आ जाना है 1.5 तो ये रहा और 2 ये रहा तो 3.5 यानी कि 7 बाई टू और 7 बाई ट्वेल्व क्लियर और इसी तरीके से y सेंटर ऑफ मास चाहिए तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास एम वन वन प्लस एम ये तो दोनों जीरो हो गए ये आ जाएगा गड़बड़ कर दिया क्या यहां लिख दिया था ठीक है तो ये आ जाएगा एम वन इंटू रूट थ्री बाई टू अपॉन टोटल ऑफ मास के पता चल रहे हैं एक बार देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है ऑप्शन है हमारे पास एक तो एक्स कॉर्डिनेट आ रहा है सेवन बाई फर्स्ट या सेकेंड में और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा रूट थ्री बाय फोर तो सेवन बाय ट्वेल्व और रूट थ्री बाय फोर तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जो आंसर आ जाएगा वो सेकेंड होगा क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है कि किस वन के जी वन पॉइंट फाइव के जी एंड टू पॉइंट फाइव के जी आर कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड फोर थ्री एंड फाइव ठीक है सेंटर ऑफ ऑफ़ ऑफ़ मास द सिस्टम पॉइंट तो और हमसे जो ऑप्शन एक बार देख सेंटीमीटर राइट एंड वन पॉइंट टू सेंटीमीटर अबव वन के जी मास वन के जी मास के कंपेरेटिवली ही बात कर रहा है तो अपन एक काम कर लेते हैं वन के जी मास को तो रख लेते हैं ऑरिजिन पर ठीक है और इसके करेस्पॉन्डिंग फिर कॉर्डिनेट्स लिख लेते हैं वन जो वन के जी का मास है ये तो जीरो जीरो पर हो गया वन पॉइंट फाइव के जी वाला जो है ये हो जाएगा थ्री कॉमा जीरो पर और ये टू पॉइंट फाइव के जी जो मास है ये आ जाएगा जीरो कॉमा फोर पर क्लियर तो सिंपली हम रिलेशन लिख लेते हैं इनमें जो एक्स सेंटर ऑफ मास आ जाएगा कितना हो जाएगा ये एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू वन पॉइंट फाइव इंटू थ्री प्लस एम थ्री एक्स थ्री ये भी जीरो हो जाना है अपॉन टोटल इसका मास तो ये आ जाएगा 1 प्लस टू और ये आ जाएगा टोटल 5 के ठीक तो इसको हम लिख देंगे 0.9 सेंटीमीटर वाई सेंटर ऑफ मास लिखना है तो उसके लिए आ जाएगा m1 y1 वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री अपॉन टोटल मास दो जीरो तो हैं एम थ्री वाई थ्री कुछ यहां से लिखेंगे हम तो टू पॉइंट फाइव इंटू फोर ये हो जाएगा टेन और अपॉन टोटल मास आ जाएगा फाइव तो ये हो जाना है टू सेंटीमीटर ठीक तो इसमें जब हम ऑप्शंस चेक करते हैं तो ऑप्शन ये आ जाएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट तो आएगा जीरो पॉइंट नाइन और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा टू तो जीरो पॉइंट नाइन एंड टू जो सेकंड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो मैच कर जाएगा इसमें ठीक है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म फ्लैग शेप्ड लेमिना ये एक थिन फ्लैट प्लेट है इसका मास दिया हुआ है हमें फोर के जी द कॉर्डिनेट्स ऑफ सिस्टम द कॉर्डिनेट्स ऑफ द सेम आर शोन इन द फिगर ठीक है ये कॉर्डिनेट हमें इसके दे रखे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए सेंटर ऑफ मास के तो देखो बेटा जी इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है जीरो जीरो वन जीरो वन कॉमा टू तो ऑब्वियसली फिर ये जीरो कॉमा वन हो जाएगा सॉरी जीरो कॉमा टू हो जाएगा ये और उसके बाद फिर हमारे पास यहां देखो ये आ जाएगा वन कॉमा थ्री और बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए हैं तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि देखो ये एक तो स्क्वायर बन गया जिसकी साइड वन है दूसरा ये वाला स्क्वायर बन गया जिसकी साइड वन है और तीसरा ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसको भी हम दो स्क्वायर में डिवाइड कर लें, यहां से जीरो कॉमा वन और ये हो जाएगा वन वन ठीक है तो ये चार स्क्वायर बन गया और टोटल इसका मास कितना दिया हुआ है फोर के तो हर एक स्क्वायर का मास कितना रहेगा वन के जी आ जाएगा और हम हर एक स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास की बात इंडिविजुअली कर सकते हैं कि जैसे ये वाला स्क्वायर है इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा दूसरे वाले का यहाँ रहेगा तीसरे वाले का यहाँ रहेगा और चौथे वाले का यहाँ रह जाना है तो डायरेक्ट अब देखो हम इसको लिख सकते हैं कि ये वाले जो कॉर्डिनेट्स हैं ये तो आ जाएंगे बेटू मैं अलग अलग पॉइंट इंडिकेट कर लेता हूँ ये ए बी सी और डी तो जो ए पॉइंट के कॉर्डिनेट्स हैं वो देखना क्या होंगे एक्स में तो हाफ और वाई में भी हाफ बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे एक्स तो हाफ हो जाएगा और वाई जो है वो वन प्लस हाफ हो जाना है इसी तरीके से सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो तो एक्स हाफ है और वाई जो आ जाएगा वो टू एंड हाफ आ जाएगा और जो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे उसमें एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा थ्री बाई टू और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो फाइव बाई टू है तो अब हमारे पास ये चार पार्टिकल्स हैं और इन सब का मास है वन के जी तो एक्स सेंटर ऑफ मास हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा एम वन एक्स वन प्लस मल्टीप्लाई करना है मास तो वन तो ही है तो हाफ प्लस हाफ वन थ्री बाई टू एंड थ्री तो यह आ जाएगा टोटल थ्री और मास इसका है फोर बात समझ में आई आपको सिमिलरली जब हम वाई सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो इसमें भी सेम अप्रोच रहेगी एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री प्लस एम फोर वाई फोर ठीक है जी तो टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव फाइव तो ये हो जाएगा और टू ये हो जाएगा तो दिस विल बिकम by तो जब हम यहां कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव और ये आ जाएगा वन पॉइंट सेवन फाइव ठीक है तो ऑप्शन अगर देखें तो जीरो पॉइंट सेवन फाइव और वन पॉइंट सेवन फाइव वाला थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा मैच कर रहा है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें दिया हुआ है कि अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज फ्रॉम अ हाइट एच अब द ग्राउंड एट द सेम टाइम एन अदर पार्टिकल ऑफ सेम मास इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ अंडर रूट टू जी एच इफ इलास्टिकली द टाइम टेकन फ्रॉम द फॉर द कंबाइंड मास टू रीच द ग्राउंड इन यूनिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच बाई जी ठीक है तो इसमें बेटू ऐसा हो रहा है कि जैसा पहले भी हम ये क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं इसके जैसी अप्रोच का कि एक पार्टिकल है जिसको यहाँ एच हाइट से रिलीज किया गया है।, इसका मास है और दूसरा पार्टिकल जो है इसको ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है स्पीड अंडर रूट ऑफ टू जी एच से क्लियर अब होगा ये कि ये वाला पार्टिकल सपोज अपन इसको ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं तो ए पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा बी पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा और कहीं जाके ये कोलाइड करेंगे अगर हम रिलेटिव में देखें तो देखो ए का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स है बी का एक्सेलरेशन भी जी डाउनवर्ड्स है ए के रिलेटिव बी को देखते हैं तो ए खुद को रुका हुआ मान के अपना एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में देगा बी को तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा जीरो यानी कि ए के रिलेटिव जो बी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है एच रिलेटिव स्पीड कितनी रहेगी जो उसकी वेलोसिटी है उतनी तो इतने टाइम के बाद बेटू ये कोलिजन होगा और वो जो टाइम है वो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच बाय टू जी तो इतने टाइम के बाद ये पार्टिकल्स जो हैं ये जाके कोलाइड करने वाले हैं ठीक है ये पॉइंट अच्छा अब देखो इतने टाइम के बाद ये कोलिजन हुई कहाँ पर एक्चुअली वो भी देखना पड़ेगा ना हमें मान लेते हैं कि जो ए है ये कुछ एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो एक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे उसको रिलीज किया डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हुए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं तो एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और टी स्क्वायर आ जाएगा एच बाई टू जी तो देखो बेटू ये आ जाएगा एच बाई फोर यानी कि ग्राउंड से जो हाइट रहेगी जहां ये कोलिजन हो रहा है वो है थ्री एच बाई फोर बिकॉज ये वाला जो एक्स हमारे पास आया है ये एच बाई फोर आ जाएगा ठीक है अब देखो यहाँ जब कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन से जस्ट पहले ये वाला पार्टिकल एम मास का सपोज यू वन स्पीड से आ रहा है यहाँ जो सेकेंड पार्टिकल बी है सपोज इसकी स्पीड है यू टू यहाँ कोलाइड हुए कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है इट मीनस कोलिजन के जस्ट बाद ये दोनों एक साथ मूव करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोलिजन से जस्ट पहले और जस्ट बाद में वेलोसिटी कितनी है क्योंकि एक बार वेलोसिटी पता चलेगी ये हाइट हमें पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटू जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं रीजन कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एम लग रहा है और एम फोर्स जो है ये नॉन इंपल्सिव है तो जब एक्सटर्नल नॉन इंपल्सिव फोर्स लग रहा है तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं कोई इशू नहीं रहता सबसे पहले हम यू वन और यू टू कैलकुलेट कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए यहां से यू वन पता चलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ जी एच बाई टू इसी तरीके से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं बी पार्टिकल के लिए अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हुए यू टू स्क्वायर इक्वल्स टू इसकी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू ए एस और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है थ्री एच बाय फोर हां जी तो यह आ जाएगा टू जी एच माइनस कितना थ्री बाय टू जी एच तो यह आ जाएगा जो u2 है बेटा ये भी u1 के इक्वल आ गया तो काम आसान हो गया हमारा U2 जो है ये भी कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ जी एच बाई टू इसका मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन एक पार्टिकल का मोमेंटम अपवर्ड है एम इन टू यू और दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम डाउनवर्ड है उतना ही एम इन टू यू तो जस्ट बिफोर कोलिजन इनका नेट मोमेंटम कितना है जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन के जस्ट बाद जब ये कंबाइंड मास की बात करनी है तो ये कंबाइंड मास भी क्या होगा रेस्ट पर रहेगा क्योंकि मोमेंटम इसका जस्ट बिफोर कोलिजन जीरो है तो जस्ट आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम जीरो ही होना है अब यहां से बस एक तरह से हम बोल सकते हैं कि 2m मास का पार्टिकल है उसको ड्रॉप किया है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 3h/4 इनिशियल वेलोसिटी जीरो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हुए s ut 1/2 at2 यूज करने तो देखो जो t आ जाएगा ये जिसको हम टी टू बोल रहे हैं टी टू हो जाएगा बेटा जी एक तो ये टू से ये गया तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ थ्री बाय टू एच बाई जी क्लियर तो कोलिजन के बाद जो इसको टाइम लगना है वो इतना लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में ऑप्शन अगर देखें हम तो ये वाला ऑप्शन मैच करेगा ठीक है जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इसमें बेसिकली वो ये आ जाएंगे और कोलिजन के बाद वाला जो टाइम रहेगा वो इतना हो जाना है पॉइंट क्लियर है आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए सेकंड ऑप्शन की बात करें थे ना उसमें चलिए नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इसमें दिया हुआ है कि शोन इन द फिगर वेन ए स्फेरिकल कैविटी सेंटर्ड एट ओ ऑ ऑफ रेडियस वन ठीक है ये वाला रेडियस वन दे रखा है हमें ज कट आउट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर तो स्फीयर यूनिफॉर्म है इसका मतलब हम इसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट मान लेंगे द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग शेडेड पोर्शन इज एट जी दैट इज ऑन सरफेस ऑफ कैविटी ये एक इंपॉर्टेंट बात है बेटू देखो हमें अप्रोच तो पता है इसको कैसे सॉल्व करना है पहले भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से अगर किसी पोर्शन को हम हटाते हैं तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए क्या अप्रोच यूज़ करेंगे जिस पार्ट को हटाया है उसको वापिस ऐड कर दो हमें एक टोटल स्फीयर मिल जाएगा तो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू इक्वल टू टोटल मास इन टू एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इसमें एक पार्ट का हमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है दूसरे का पता है और फाइनल पूरा जो स्फीयर मिलता है उसका भी सेंटर ऑफ मास हमें पता रहता कहाँ होगा तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने ये जो सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन का है कैविटी के सरफेस पर दिया हुआ है ठीक है आर कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन तो इसको आर कैलकुलेट करना है ठीक है तो बेसिकली हम जो अप्रोच इसमें यूज करने वाले हैं वो तो यही है कि जिस पोर्शन को हटाया गया है उसको वापिस एड कर दो और एक बार सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है ये जो शेडेड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास उसको कैलकुलेट कर रहे हैं रिलेटिव टू सी हम ऑरिजिन मान लेते हैं सी पर तो ये जो सेंटर ऑफ मास इस शेडेड पोर्शन का है एक्स पहले तो ये आर की टर्म्स में कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हमें इस पूरे स्फीयर का सेंटर ऑफ मास पता है जीरो जीरो पर होगा इस कैविटी का सेंटर ऑफ मास पता है यहां पर होगा और वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा कितनी डिस्टेंस पर है तो वही हम कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले तो ये एक्स कैलकुलेट करते हैं बेटू देखो ये वाला जी से लेकर इस पॉइंट को एक बार के लिए मैं सरफेस वाले को पी बोल देता हूं तो ये जो जी पी डिस्टेंस हो जाएगा ये टू हो जाएगा क्लियर कट नजर आ रहा है क्योंकि कैविटी का जो रेडियस है वो वन है तो जी जो आ जाएगा ये डायमीटर है तो ये टू हो जाना है उस टू में से देखो सेंटर से पी तक का जो डिस्टेंस है वो आर है तो इसका मतलब x की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी टू माइनस आर कोई इशू नहीं है यहां तक दूसरा हमें ये वाला जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है सपोज इसको y बोल देते हैं हम तो ये y कितना आ जाएगा तो उसके लिए भी हम सिंपल ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है वन ओ से लेकर पी तक का और सी से पी तक का जो डिस्टेंस है वो है आर तो y की जो वैल्यू आ जाएगी बेटू ये आ जाएगी r माइनस वन कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो अब हम इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके लिए रिलेशन यूज करके कैलकुलेशन कर लेते हैं हमें ये पता है कि एक स्फीयर में से हमने कैविटी को गायब किया हुआ है इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास चाहिए तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं जिस पार्ट को हटाया गया है उसको वापस ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट स्फीयर मिल जाएगा अब सेम रेफरेंस के लिए बात करते हैं भाई सेम रेफरेंस के लिए हम बात करेंगे तो देखो स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम मानते हैं ओरिजिन। तो एक तो सिमेट्री से ये पता चलेगा कि सेंटर ऑफ मास जो है वो इस एक्स एक्सिस पर ही होना है पूरा जो कंप्लीट स्फीयर है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जीरो कॉमा जीरो अच्छा ये स्फीयर का सेंटर यहां पर है और हमें चाहिए इसके कोऑर्डिनेट्स जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कितने डिस्टेंस पर आएगा ये आर माइनस वन पर और ये जो कैविटी है स्फीयर का सेंटर यहां पर है और इसका सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में है कितने डिस्टेंस पर है बेटू ये टू माइनस आर पर ये वाला जो डिस्टेंस है ये टू माइनस आर है क्लियर तो अब हम रिलेशन लिख लेते हैं एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू इक्वल्स टू टोटल मास इन टू सेंटर ऑफ मास मास कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी यूनिफॉर्म दे रखी है रो मान लिया इन इसका वॉल्यूम वॉल्यूम कितना आ जाएगा फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब में से कैविटी को हटाया है तो फोर बाई थ्री पाई ये आ जाएगा इस रिमेनिंग पोर्शन का मास और इनटू हम इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो आ जाएगा नेगेटिव में टू माइनस आर है तो नेगेटिव में टू माइनस आर प्लस इसका सेंटर ऑफ मास आर माइनस वन डिस्टेंस पर है इसका मास हो जाएगा रो इंटू फोर बाई थ्री पाई वन क्यूब इंटू आर माइनस वन एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है जो कंप्लीट स्फीयर है इसका सेंटर ऑफ मास जीरो पर है तो देखो बेटू अब इसमें एक तो रो इन टू फोर बाई थ्री पाई ये तो यहां से बचेगा ये बचेगा आर क्यूब माइनस वन इंटू टू माइनस आर प्लस रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो रो इन टू फोर बाई थ्री पाई गया इसको कैंसिल आउट कर दें हम फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट बचता है वो क्या है इसको उठा के सारा नेगेटिव उधर ले जाएंगे आर माइनस आर क्यू माइनस वन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू टू माइनस आर ये पूरा टर्म हम इधर उठा के लेके जा रहे हैं और बचेगा क्या इक्वल्स टू आर माइनस वन पॉइंट समझ में आया कैलकुलेशन वाला कोई इशू नहीं है यहाँ पर तो एक तो आर माइनस वन आर माइनस वन कैंसिल आउट हो जाना है तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन इंटू टू माइनस आर इक्वल्स टू वन तो ये आर का फाइनल रिलेशन आ जाएगा और हमसे जो पूछा गया था उसकी बातचीत अगर करें तो कुछ ऐसे ही ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं बेटो ये कैलकुलेशन समझ में आ गई आपको सारी तो चलिए ऑप्शन मैच कर लेते हैं हम इसमें तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन इंटू टू माइनस आर इक्वल्स टू वन जो सेकंड ऑप्शन है वो इसमें सही मैच हो रहा है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दिया हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r ठीक है अबाउट अ प्लेनेट एन अदर बॉडी ऑफ मास m/2 कोलाइड्स विद a विद अ वेलोसिटी विच इज हाफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ a ठीक है तो दोनों की वेलोसिटी सेम है यानी कि एक डायरेक्शन में जाते हुए ही इन्होंने कोलाइड करना है तो पहले ये सर्कुलर ऑर्बिट पर था ठीक है जो ए मूव कर रहा था और उसके आगे बी है एम बाई टू मास का जो आधी वेलोसिटी से जा रहा है और कोलिजन जो है वो कंप्लीटली इन इलास्टिक है तो बेटो ऐसा है देखो जब हम किसी भी प्लेनेट के अबाउट सपोज एम मास का कोई प्लेनेट है इसके अबाउट कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है एम मास का पार्टिकल किसी यू स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट में जब ये रिवॉल्व करता है तो इसकी स्पीड हम कैसे लिखते हैं तो हमें यह पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जीएमएम बाई आर स्क्वायर यह इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ठीक है तो यहां से जो इसकी ऑर्बिटल स्पीड आती है यू ये कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर के इक्वल अब अगर पार्टिकल की स्पीड इतनी होती है तब तो यह रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पर अदरवाइज अगर इससे कम स्पीड से ये पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो इसका पाथ रहता है एलिप्टिकल या फिर हमें ये भी पता है कि अगर इसकी स्पीड जो है ये ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा है और एस्केप स्पीड से कम है तो भी इसका पाथ कैसा रहेगा एलिप्टिकल पाथ रहेगा ये हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में स्टडी करते हैं राइट एस्केप स्पीड पर जाएगा तो पैराबोलिक पाथ पर जाके ये एस्केप होता है ठीक है तो अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये है कि ये पार्टिकल ए जो है ये यू वेलोसिटी से जा रहा है तो ये सर्कुलर मोशन में है जैसे ये किसी दूसरे पार्टिकल के साथ जाके कोलाइड करता है जो इसी डायरेक्शन में यू से जा रहा है और कोलिजन कैसा है परफेक्टली परफेक्टली इन इन इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन है तो कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल साथ मूव करेंगे और जो स्पीड है वो भी इस स्पीड से कम हो जाएगी वो भी इस स्पीड से कम हो जाएगी तो जब स्पीड इस ऑर्बिटल स्पीड से कम है तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा पुत्र पाथ हो जाएगा इसका एलिप्टिकल बस इसी के बारे में हमसे ऑप्शन में चर्चा की गई है कि जब ये कंबाइंड बॉडी का मोशन देखना है तो ये एस्केप हो जाएगा या एलिप्टिकल पाथ पर मूव करेगा या वर्टिकली फॉल करेगा या सर्कुलर पाथ पर ही मूव करता रहेगा तो ये बेसिक सिचुएशन हमारे पास थी तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ये रहेगा कि ये एलिप्टिकल पाथ पर मूव करना शुरू करेगा ठीक है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 इसमें दिया हुआ है टू पार्टिकल्स मास और इनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं वो दे रखी हैं दे देटली इन इलास्टिकली देखो इन इलास्टिक कम्पलीट इन इलास्टिक कोलिजन के तो खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एनर्जी का लॉस पूछा गया है इसमें तो फिर से वही कि अगर कंप्लीटली इन इलास्टिक कोल्यूजन है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन के बाद ये एक साथ चलेंगे और मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा तो हमारे पास देखो एक पार्टिकल है एम मास का जिसके पास वेलोसिटी है यू आई कैप दूसरा पार्टिकल है हमारे पास एम मास का और इसके पास जो वेलोसिटी है वो है u बाई टू आई कैप प्लस जे कैप ठीक है तो एनर्जी का लॉस पूछा है बेटू एक तो एनर्जी हमें पहले यहां से पता चल जाएगी और फाइनल एक बार हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें कंबाइंड मास की कितनी है तो उसकी भी एनर्जी हमें पता चल जाएगी सपोज इलास्ट परफेक्टली इन इलास्टिक हुई तो साथ चलना है ये तो तय है मान लेते हैं कि ये साथ चल रहे हैं किसी भी वेलोसिटी से तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें क्या पता चलेगा एम इंटू यू आई कैप प्लस एम इंटू यू बाई टू आई कैप प्लस जे कैप इक्वल्स टू टू एम वी वेलोसिटी हाँ जी तो यहां से देखो एक m तो कैंसिल आउट हो जाना है u प्लस यू बाई टू ये आ जाएगा थ्री यू बाई टू और ये टू भी डिवीजन में आ जाएगा तो थ्री यू बाई फोर आई कैप प्लस यू बाई फोर जे कैप ये आ जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी ये इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी ठीक है अब हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट वाले केस में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर तो इसकी स्पीड जो है वो u ही रहेगी प्लस दूसरे वाले की एनर्जी लिखें तो हाफ एम वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटू वो कितना हो जाना है देखो ये लिखा हुआ यू बाई टू आई कैप प्लस यू बाई टू जे कैप तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यू बाई टू का स्क्वायर प्लस यू बाई टू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो फाइनली ये आ जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास वो आ जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर प्लस यहां से देखो यह कितना square, तो यह ये कितना आ जाएगा वन बाई फोर एम यू स्क्वायर तो ये आ जाएगा थ्री बाई फोर एम यू स्क्वायर ये पॉइंट तो समझ में आया ना आपको जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है जो इसकी स्पीड थी सपोज यू टू लिख देते हैं इसको हम ये है यू बाई टू आई कैप प्लस यू बाई टू जे कैप और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वही लिखा है और फाइनली उसका स्क्वायर करना था तो स्क्वायर रूट वाली टर्म हम नहीं लिख रहे हैं चलिए फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ इन टू कम्बाइंड सिस्टम का मास टू एम और इस वाली स्पीड का स्क्वायर तो ये वेलोसिटी है देखो अब मैं लिख लेता हूँ चलो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री यू बाई फोर का स्क्वायर प्लस यू बाय फोर का स्क्वायर क्लियर तो इसका हमें स्क्वायर लिखना है बेटू ये देखना कितना आ जाएगा एक तो नाइन बाय सिक्सटीन तो यहां से आ जाएगा और वन बाय सिक्सटीन यहां से आ जाएगा तो ये बचेगा टेन बाय सिक्सटीन या फाइव बाय एट यू स्क्वायर के इक्वल तो फाइनल जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी फाइव बाई एट एम यू स्क्वायर लॉस कितना हुआ तो जो लॉस है काइनेटिक एनर्जी का वो हो जाएगा के इनिशियल माइनस के फाइनल हाँ जी थ्री बाय टू यू स्क्वायर माइनस फाइव बाई एट स्क्वायर इसको सिक्स बाई एट लिखेंगे तो यह आ जाएगा वन बाय एट एम यू स्क्वायर ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ठीक है तो एक बार ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन में देखेंगे तो वन बाय एट एम यू स्क्वायर सेकेंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट मैच करेगा क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें दिया हुआ है कि पार्टिकल ऑफ मास प्रोजेक्टेड स्पीड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल इक्वल्स टू पाई बाई थ्री सिक्सटी डिग्री पर इसको प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल के साथ व्हेन इट हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम हाइट इट कोलाइड्स कंप्लीटली ली इन इलास्टिक फिर एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है

और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट इसका कितना है u 60, u cos 60 यानी कि तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड होगी u 2. अब यहां दूसरा पार्टिकल आके हिट कर रहा है सेम मास है और उसकी वेलोसिटी है u i कैप तो इस वाले पार्टिकल की स्पीड u बाई टू है दूसरा पार्टिकल जो आके हिट कर रहा है वो पीछे से आके हिट करेगा क्योंकि उसकी स्पीड u है हिट तभी करेगा जब वो पीछे से आ रहा है आगे होगा तो आगे निकल जाएगा फिर कोलिजन का कोई मतलब नहीं है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व रहेगा और साथ चलेंगे तो एम प्लस एम बाय बाई टू इक्वल्स टू फाइनल इनका मास टू एम हो जाएगा और स्पीड वी है तो देखिए टू एम वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री बाई टू या ये कह लो कि वी जो आ जाएगा वो कितना होगा V हो जाएगा हमारे पास थ्री बाय फोर यू के इक्वल तब ये कंबाइंड मास जो है एक तरह से हम यहां बोल सकते हैं कि टू एम मास का पार्टिकल है इसको प्रोजेक्ट किया है हमने इस वी स्पीड से और इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाएगा इसका मोशन कुछ इस तरह से अब इसके बाद ऐसा हो जाएगा कि यहां कंबाइन करने के बाद ये ऐसे गया है ठीक है तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हॉरिजोंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंबाइंड मास तो ये वाला डिस्टेंस बेटू पूछ रहा है याद रहेगा स्पीड इंटू टाइम क्योंकि हॉरिजोंटल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी का कंपोनेंट कांस्टेंट रहना है टाइम कितना लगेगा तो टाइम हम देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड से लेकर इस हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उतना टाइम वापिस आने में लगता और वो वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल थी इसकी वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल थी यानी कि इस पार्टिकल को कंबाइंड पार्टिकल को भी नीचे आने में उतना ही टाइम लगेगा जितना हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है कितना होता है टू यू साइन थीटा बाई जी उसका हाफ कितना हो जाएगा u साइन थीटा बाय जी के x डिस्टेंस जो होगा बेटू ये कितना हो जाएगा स्पीड इन टाइम तो स्पीड है हमारे पास थ्री बाय फोर यू और टाइम है हमारे पास रूट थ्री बाय टू यू बाय जी तो देखना डिस्टेंस एक्स कितना आ रहा है एक्स आ जाएगा थ्री बाय थ्री रूट थ्री बाय एट यू स्क्वायर बाय जी क्लियर तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कौन से इसमें मैच कर रहे हैं थ्री रूट थ्री यू स्क्वायर बाई एट जी तो फोर्थ ऑप्शन यहां एग्जैक्ट इसमें मैच करेगा क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि अ रॉड ऑफ लेंथ एल हैज नॉन लिनियर लिनियर मास डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म लिनियर मास डेंसिटी है वेरिएशन है ए प्लस बी एक्स बाय का स्क्वायर वेर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स और एक्स का वेरिएशन जीरो से एल तक है वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास तो बेटो ये बेसिक में जाके ही हमसे सॉल्व करवा रहा है देखो जो रॉड है इसको एक्स डायरेक्शन के अलाउ कुछ ऐसे रखा गया है डेंसिटी है इसकी नॉन यूनिफॉर्म तो जब भी हमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम ओवर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम ये डी एम क्या हो जाएगा जो हम एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं उस एलिमेंट का मास और एक्स क्या हो जाएगा जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो इस रॉड के लिए जब हम एलिमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का एलिमेंट लिया हमने अब ये तो ये एलिमेंट dx थिकनेस का बहुत स्मॉल है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो खुद का यहीं पर ही होगा तो ये जो x यहाँ इस फार्मूला में यूज करेंगे वो तो उस x के इक्वल आ जाएगा रही बात dm की तो dm क्या हो जाएगा dm हो जाएगा इस एलिमेंट का मास जो कि इसकी लीनियर मास डेंसिटी a plus b x2 l2 दिया हुआ है और इनटू इसकी थिकनेस ये हो जाएगा ठीक है तो अब हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार इसकी एक्स सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन ऑफ हां जी एक्स डीएम तो इसको जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रहेगा एक्स प्लस बी एक्स क्यूब बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम तो प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स एक्स का वेरिएशन है जीरो से लेकर एल तक तो फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहां देखिए ये यह आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाय टू लिमिट पुट करेंगे तो एल स्क्वायर बाय टू प्लस बी बाई एल स्क्वायर तो पड़ा हुआ है और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स की पावर फोर बाय फोर और जीरो से एल तक इसमें लिमिट पुट कर लेंगे फिर यहाँ ए का इंटीग्रेशन आ जाएगा ए एक्स लिमिट पुट करेंगे जीरो से एल और ये आ जाएगा बी बाय एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री और लिमिट पुट करने के बाद ये आ जाएगा एल क्यूब बाय थ्री हाँ जी तो देखो एक तो यह आएगा ए बाय टू एल स्क्वायर b by 4 l raised to power 4 ए और बी एल बाय थ्री तो एक तो बेटा एल कॉमन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है और फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा टू एचा चाहिए एल स्क्वायर है ना तो टू ए एल तो वहां से बचेगा प्लस बी एल बचेगा ओवर फोर और यहां से देखो कितना आ जाएगा थ्री ए प्लस बी ओवर थ्री तो फाइनल जो आंसर हम लिखेंगे यहां पर एक्स सेंटर ऑफ मास वो आ जाएगा थ्री टाइम्स टू ए एल प्लस बी एल ओवर फोर टाइम्स थ्री ए प्लस बी क्लियर तो एक बार ऑप्शन इसमें चेक कर लेते हैं कौन से मैच कर रहे हैं तो एक तो थ्री बाय फोर और एल फिर बचेगा टू ए प्लस बी और थ्री ए प्लस बी तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसमें मैच कर रहा है हमारे पास क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसमें जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का इसमें दिया बॉडी एफ मास टू जीरो जी हैज एन इनिशियल इलास्टिकली चलो इलास्टिकॉडी ऑफ सेम विच है जिसका मास एम जीरो पॉइंट वन के जी दिया हुआ है ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है थ्री मीटर पर सेकेंड से दूसरा पार्टिकल सेम मास है ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है फाइव मीटर पर सेकेंड से इलास्टिक कोलिजन है आफ्टर कोलिजन ए मूव्स विद वेलोसिटी फोर आई कैप प्लस फोर जे कैप एनर्जी ऑफ बी आफ्टर द कोलिजन तो देखो बेटा जी एक तो यह है कि कोलिजन इलास्टिक है मोमेंटम कंजर्व रहेगा एनर्जी कंजर्व रहेगी ठीक है तो एक काम तो ये कर सकते हैं हम कि पहले इसकी एनर्जी या इसकी स्पीड कैलकुलेट कर लें बी की और फिर एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर से कैलकुलेट कर लें या क्यों ना डायरेक्ट एनर्जी का रिलेशन लगा दें क्योंकि हमें ये तो पता है कि इलास्टिक कोलिजन है एनर्जी कंजर्व रहेगी तो जितनी एनर्जी इनिशियल इंस्टेंट पर है उतनी ही फाइनल पर भी होगी तो हम यही यूज कर रहे हैं भाई कि इनिशियल एनर्जी कितनी लिखेंगे ये है हाफ एम यू स्क्वायर एक के लिए और हाफ एम यू स्क्वायर दूसरे के लिए हाँ जी तो कितना आ जाएगा टोटल सेवनटीन एम के इक्वल ठीक है ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन थर्टी फोर और डिवाइड बाई टू तो यह पार्ट में जब कोलिजन के बाद की बात कर रहे हैं तो एनर्जी देखो एक तो इसके पास आ जाएगी ए के पास एनर्जी है हाफ एम इसकी स्पीड का स्क्वायर तो यह आ जाएगा थर्टी टू लिख दो डायरेक्ट फोर का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर और प्लस दूसरे पार्टिकल की जो एनर्जी है उसको सपोज हम कुछ ई e से लिख लेते हैं तो ये लो यहां पर इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू तो फाइनल एनर्जी ये सिक्सटीन एम है तो सेवनटीन एम किसके इक्वल हो जाएगा ई e प्लस सिक्सटीन एम तो ई e की वैल्यू फाइनली एम के इक्वल आ जाएगी या फिर इसकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो जीरो पॉइंट वन जू लाना है अभी एम ये, ये मत सोच लेना के जी में है वो अपने आप वो यूनिट्स कैंसिल आउट भी तो हो रहे हैं यू वाले नहीं लिख पा रहे थे यहाँ पर है ना तो जो फाइनल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी जीरो पॉइंट वन जूल या फिर वन बाय टेन जूल भी इसको हम बोल सकते हैं ठीक है जी तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा द वैल्यू ऑफ एक्स पूछी है तो जो एनर्जी है वो है वन बाय टेन जूल ठीक है तो फाइनल जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो है वन ठीक है तो इस पार्ट में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे बाकी जो अगला पार्ट है उसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे वीडियो में ठीक है थैंक यू वेरी मच